क्योंकि उन्हीं का ज्ञान हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान जो हम लोग दे रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। लेकिन जब महामना जी जो ज्ञान देंगे आपको 9 तारीख को आके पूर्ण ज्ञान देंगे, क्योंकि भाई हम लोग उनके शिष्य हैं। तो यही हम लोग बताने आए हैं कि आप लोग 9 तारीख को वहां पहुंचिए, जिससे जो हम लोगों का खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान पैमान 70 साल में ले लिए हैं, हम लोगों कहीं हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, तो उसको कैसे हिस्सा लिया जाएगा, कैसे हमारे लोग मजबूत होंगे, कैसे हमारे लोगों को नौकरी चाकरी मिलेगी, कैसे राजनीति किया जाएगा, क्योंकि ये राजनीति एक ऐसी चाबी है कि जिससे सभी दरवाजे खुलते हैं। राजनीति के अलावा कोई और तरीका आप बता दीजिए कि जिससे घर मकान दुकान नौकरी चाकरी बच्चों का भविष्य मिले, कोई तरीका है नहीं, तो राजनीति करना पड़ेगा हम लोग को। तो वही राजनीतिक पाठ पढ़ाने महामना जी आएंगे, उसके लिए सबको अपना किराया भाड़ा लगा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बयान ऐसे हम लोग को है किस्सा नहीं देंगे। सही बता रहा हूं, जब तक आप सड़क पे नहीं उतरोगे, जब तक आप अपने आप को इकट्ठा नहीं दिखाओगे, अगर आप देवरिया में उस दीप मैरिज हॉल को इतना भर दिए रोड कि डीएम भी पागल हो जाए, एसपी भी पागल हो जाए और बड़ी बड़ी पार्टियां भी पागल हो जाए कि नहीं भैया एक देवरिया जिला ही जो बचा हुआ है, जहां से निषाद पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, लेकिन अगले 2027 में जब चुनाव होगा तो यहां से भी 2-3 विधायक लखनऊ के सदन में जाएंगे, क्योंकि आपका एक देवरिया जिला ऐसा है जहां से हम लोगों ने एक सीट भी नहीं ले पाए। आप देख लीजिए यही कुशीनगर है, 2 विधायक है आपके, यही महाराजगंज है, 1 विधायक है आपके, यही आपका बगल में गोरखपुर है, 1 विधायक है आपके, यही आपके संत कबीर नगर है, हर जगह मतलब हम लोगों ने ले लिया, लेकिन यही बीच में एक गोरखपुर मंडल में यही एक देवरिया जिला बचा है जहां हम लोगों ने एक सीट नहीं ले पाई। तो क्या हम सीट लेने के लिए तैयार नहीं रहना पड़ेगा, हम लोग नहीं रहना पड़ेगा, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा, बूथ गांव में मजबूत होना पड़ेगा, लोगों को पार्टी के नीचे अपने पार्टी के नीचे नहीं ला पाएंगे तो क्या दूसरा समाज आएगा? सही से बताओ। अब सोचिए हमारी आबादी 18% है, हम लोग बटे हुए हैं, कोई कहता है केवट है, कोई कहता बिंद है, कोई कहता मल्ला है, इसी में बटे हुए थे, लेकिन मानवर साहब की देन है कि जो ये विधान मतलब होता है कानून, मतलब बराबर कानून, कि इस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जिस भी बिरादरी के लोग जिस अनुपात में इस भारतवर्ष में रह रहे हैं उसी अनुपात में उन लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान हक हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन ये देख लीजिए इस लोकतंत्र में कैसी व्यवस्था या अव्यवस्था कि हमारी 18% आबादी लेकिन हिस्सेदारी में 1% कहीं है क्या? कहीं हमारा एक चपरासी भी नहीं है? आप ढूंढते रह जाइए। तो उसका मात्र एक कारण है कि राजनीति में हिस्सा ना लेने का डर। सही बता रहा हूं, अब तक हम राजनीति में हिस्सेदारी क्यों नहीं पाए? क्योंकि एक कहावत कहा गया है, राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड या अपराध यह है कि आज तक हम लोग अयोग्य व्यक्ति पर विश्वास कर रहे थे, अयोग्य व्यक्ति हम पर शासन कर रहा था, लेकिन 13 जनवरी 2013 के बाद आपके इसी गोरखपुर बगल के जिले गोरखपुर जिले के कंपियरगंज में एक ऐसी मां ने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया जिसका नाम माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, जिन्होंने आपके पुरखों का इतिहास भूगोल खगाल करके आपके सामने रख दिया, और जब से 13 जनवरी 2013 से उन्होंने संगठन बनाया और 17 में 16 में पार्टी बनाई और 17 में चुनाव लड़ा, देख लीजिए पूरे पार्टियों में तहलका मच गया, क्योंकि अब हम लोगों के बीच में अब अयोग्य नहीं योग्य व्यक्ति आ गया है, क्योंकि इसके पहले हमारे पे सभी जितने बेईमान नेता थे 1100 संगठन और 33 पार्टियां आपके समाज की थी, 1100 संगठन और 33 पार्टियां मेरे समाज के लोग उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन क्या कोई ये कारनामा कर पाया? सब ने दलाली किया, सब लोगों ने दलाली किया और दलाली का नतीजा रहा मेरा समाज भुगत रहा है। लेकिन मानवर साहब की देन है कि आप किसी गोरखपुर जिले में देख लीजिए कभी कोई नाम नहीं लेता था उस सीट का, लेकिन उस सीट को भागने का काम निषाद पार्टी ने किया कि नहीं किया?
नहीं किया क्या? तो अगर इतना बड़ा बड़ा काम मानव साहब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, बुद्धिमान है। जैसे हम लोग रोज दिन रात एक कर रहे हैं कि 18% आबादी वाला भी मछुआ समाज को भी इस राजनीति में या मकान में, नौकरी में, चाकरी में भी हिस्सेदारी मिल जाए। थाने पे भी हमारे एक दो लोग रहे, ब्लॉक में भी हमारे एक दो लोग रहे, तहसील में एक दो लोग रहे, जिले में भी एक दो लोग रहे, लखनऊ के सचिवालय में भी एक दो लोग हमारे रहे। तो उसके लिए हम लोगों को राजनीति करना पड़ेगा, क्योंकि जितना कठिन से कठिन काम था मानव साहब ने कर दिया। सही बता रहा हूं मैं, कोई न्याय का लाल कर नहीं पाएगा जो मानव साहब ने किया। उस ईवीएम, इतनी बड़ी ईवीएम मशीन में कोई न्याय का लाल था ऐसा पैदा जो फिट करा दे? लेकिन मानवर साहब ने उस ईवीएम मशीन में अपना मशीन फिट कराया कि नहीं कराया? कराया कि नहीं कराया? तो कराया तो हम लोग को क्या करना, बस उसको दबाना तो है। हाँ? उसके पहले किसी का था? केवल चार लोग कराल है, खाली तो कमल दिखा, हाथ का पंजा दिखा, साइकिल दिखा और हाथी दिखा। गलत बोले थी चाचा, एक केवल दिखा था हल। लेकिन अब पांचवा भोजन से भरी थाली भी आ गई, निषाद पार्टी का आ गई बा, वह दबा दबा ही पैमान हक हिस्सा ले लेने, नौकरी चाकरी सब ले लेने। तो का हमन अपन दबा के नहीं ले सकल जाला का? हाँ? लेकिन उकरे लिए होशियार हो एक तरी, उसके लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, उसके लिए आपको पार्टी की नींद को जानना पड़ेगा। जो महामना जी ने ज्ञान दिया है उसको आप लोगों को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। जब तक उनका जो ज्ञान है, आप लोग अगर ज्ञान बांटोगे नहीं तो ये पैमान अभी हम लोग को फोड़ने के लिए लगे हुए हैं। सही सही बता रहा हूं। लेकिन वो ज्ञान आप दे दोगे अपने गांव में, बगल में रिश्तेदारी, रिश्तेदारी में रिश्तेदारों को, तो उसको तोड़ नहीं पाएगा। आज जो हमारे फुल टाइमर कैडराइज कार्यकर्ता हैं, क्या कोई पार्टी वाला तोड़ पा रहा है? लेकिन गांव में जाकर तोड़ लेता कहने को नहीं तोड़ता। हम लोग एक जोरा बसपा दे रहे हैं, एक झोरा सपा दे रहे हैं, एक झोरा कांग्रेस को दे रहे हैं, एक झोरा भाजपा दे रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। लेकिन हम लोगों को अब झोरे में नहीं बटना है, अब हम लोगों को बोरे में इकट्ठा होना है। जिसको लात भी ऐसे ढकेलते रहे ना, तब उन्हें ढकला एक कह रहा है हम जाए या उठा के ले जाके ईवीएम मशीन में बटन दबा के और अपने सांसद विधायक पहुंचाओ जाओ। क्योंकि जब तक हम लोग अपने पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये बेईमान हम लोग को इसी तरह सताते रहेंगे। मैं सही बता रहा हूं, उसके लिए आप लोग को उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों को कोई नया काम नहीं करना है। यही जो सपा वालों ने किया, जो बसपा वालों ने किया, जो कांग्रेस वालों ने किया, जो भाजपा वालों ने किया, यही काम हमें करना है। क्योंकि अभी तक कोई 5 हथियार नहीं दिया था, कोई 5 हथियार आपके बीच में लाया नहीं था, लेकिन मानवर साहब की देन है, उन्होंने 5 हथियार ला दिया। नहीं लाया क्या भैया? लाया ना। अरे भाई 5 हथियार जो मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, जो बैन मानवर काशीराम जी ने दिया, काशीराम जी का हमारे व्यासभूमि निषाद जी ने बताया होगा कि उनकी दशा कितनी खराब थी। कभी उनको दिन में निकलने नहीं दिया जाता था, उनको निशाचर कहा जाता था, वो लोग मरे मरे जानवर की मांस खाते थे, ये दादा वाला जानते होंगे। उनको दिन में निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन देख लीजिए उनकी दशा हमसे खराब थी। वो मात्र 3% थे, लेकिन उनके भी समाज में एक भगवान आए, मानवर काशीराम जी। वो जगाए अपने समाज को और अपने फैक्ट्री, अपने जो उन्होंने संगठन बनाया बाम से, उसमें इकट्ठा कर दिया और अपने लोगों को जगा दिया और पार्टी के नीचे ला दिया। 4-4 बार लखनऊ की सदन की चाबी उन्होंने अपने हाथ में ली कि नहीं ली? लिया कि नहीं लिया? अब देख लीजिए, लेकर के अपने लोगों को नौकरी चाकरी सब दे दिया, नहीं दिया? कभी उनके माँ के कोख से हरवा पैदा हो रहे थे, कभी उनके माँ के कोखों से हरवा पैदा होते थे, लेकिन